सपा नेता आजम खान द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दौरान रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र के धमोरा में हुई जनसभा में हेट स्पीच देने का आरोप आजम खान पर है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को कातिल बताते हुए और तत्कालीन जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों के विरुद्ध हेट स्पीच देने का आरोप है। इस मामले में आज रामपुर की MPML कोर्ट में आजम खान की तरफ से सफाई साक्ष्य के तहत अंतिम गवाह केतकी गंगवार की गवाही होनी थी, लेकिन उनके अधिवक्ता द्वारा गवाह को पेश न करने का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने स्वीकार किया और इस मामले में फाइनल बहस के लिए 22 जून की तारीख मुकर्रर कर दी है, जिसमें दोनों पक्षों की फाइनल बहस होगी। आपको बता दें, ये मुकदमा 10 अप्रैल 2019 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान अनिल कुमार चौहान प्रभारी वीडियो अवलोकन टीम द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें आजम खान द्वारा हेट स्पीच देते हुए आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। थाना शहजाद नगर की मुकदमा प्राप्त संख्या 130/19 जो मोहम्मद आजम खान साहब के विरुद्ध है, उसमें सफाई साक्ष में आज पत्रावली नियत थी। उनके सफाई साक्ष की सूची के एक गवाह केतकी गंगवार को आना था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा गवाह को उन्मोचन करने का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि इस गवाह को उनको पेश नहीं करना है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया, क्योंकि सफाई साक्ष का अनुसार उनको जो सूची दिए थे सारे गवाही हो गए हैं। 22 जून 2023 को पत्रावली बहस में नियत कर दी गई है। सर, पत्रावली बहस में नियत कर क्या मतलब होता है? बहस फाइनल बहस होना है, क्या होना है? हाँ, फाइनल बहस होना है। अब दोनों पक्षों की बहस होगी, उसके बाद पत्रावली जजमेंट हो जाएगी। सर, ये मुकदमा कब दर्ज हुआ था? मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ था, अप्रैल के माह में।